हाल ही में आए विधानसभा चुनावों के नतीजों में 3 राज्यों में विजय श्री हासिल कर बीजेपी का जोश हाई है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी इन राज्यों में अपने किस नेता को राज्य की सत्ता की कमान सौंपती है। खासकर बात करें राजस्थान की, तो यहाँ मुख्य तौर पर पूर्व में राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम सामने आ रहा है। लेकिन बीते 2 दिनों में हुए घटनाक्रम के बाद अब वसुंधरा राजे के साथ एक और नाम संभावित मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में सामने आ रहा है। वो है अलवर से बीजेपी सांसद और अब तिजारा सीट से विधानसभा चुनाव जीतने वाले बाबा बालकनाथ। लेकिन अब कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर वसुंधरा राजे जैसी पार्टी की वरिष्ठ नेता, जो पहले भी राज्य की सत्ता संभाल चुकी हूँ, उनकी टक्कर में अब बालकनाथ को फ्रेम में बीजेपी क्यों ला रही है। दरअसल राजस्थान के योगी कहे जाने वाले महंत बालकनाथ की इन दिनों खूब चर्चा है। इन दिनों बाबा बालकनाथ की चर्चा राजस्थान के सीएम बनाए जाने को लेकर और यूपी के सीएम योगी की तरह राजस्थान में भी बुलडोजर बाबा के रूप में हो रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि जिस तरह से यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश में ख्याति प्राप्त की है, ठीक उसी राह पर बालकनाथ भी आगे बढ़ाए जा सकते हैं। यहां आपको जानकारी के लिए बता दें कि बालकनाथ ने कांग्रेस के इमरान खान को 6,173 वोटों से हराया है। बाबा बालकनाथ को 1,10,209 वोट मिले, जबकि इमरान खान को 1,04,036 वोट मिल सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद बाबा बालकनाथ के चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी और 2 बार वो खुद प्रचार के लिए तिजारा आए थे। बाबा बालकनाथ को राजनीतिक मजबूती देने के क्रम में योगी आदित्यनाथ उन्हें राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री के रूप में भी प्रोजेक्ट कर गए। सीएम योगी ने टपुकड़ा कस्बे की जनसभा में कहा था कि बालकनाथ जीतेंगे तो तिजारा राजस्थान का सितारा बनेगा। अब बालकनाथ जीत गए हैं, इसलिए राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी आम हो गई है कि क्या बीजेपी नेतृत्व बाबा बालकनाथ को राजस्थान का महाराज बनाएगा। हालांकि स्वयं बाबा बालकनाथ राजस्थान के सीएम पद की दावेदारी पर मौन धारण किए हुए हैं। अब आपको बताते हैं बाबा बालकनाथ के जीवन से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें। 16 अप्रैल सन 1984 को अलवर के बहरोड में कोहराना गांव में जन्मे महंत बालकनाथ एक कृषक परिवार से आते हैं। उन्होंने 6.5 साल की उम्र में संन्यास में अपना पहला कदम रखा। वो 1985 से 1991 तक मत्स्येंद्र महाराज आश्रम में रहे। बाबा बालकनाथ नाथ संप्रदाय के 8वें मुख्य महंत हैं। बाबा गोरखनाथ का नाथ संप्रदाय की गोरखपुर पीठ या गद्दी के जिस तरह से महंत सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उसी तरह रोहतक पीठ या गद्दी के महंत बाबा बालकनाथ हैं। आपको बता दें कि उनके गुरु महंत चांदनाथ, जो कि अलवर से सांसद रहे थे, उन्होंने 29 जुलाई 2016 को बाबा बालकनाथ को उनके उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया था और इस समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ और बाबा रामदेव भी शामिल हुए थे। पहली बार 2019 में बाबा बालकनाथ अलवर के सांसद बने थे। ये उनका पहला ही चुनाव था। इसके बाद पार्टी ने हाल के विधानसभा चुनाव में उन्हें मुस्लिम बहुल आबादी वाली सीट तिजारा से उतारा। यहाँ उनका मुकाबला इमरान खान से हुआ, लेकिन बालकनाथ ने 6,000 से ज्यादा मार्जिन से जीत दर्ज की। लोगों में बाबा बालकनाथ की खूब लोकप्रियता है। उनके समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाह रहे हैं। वहीं अलवर के आसपास के क्षेत्रों में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। बहरहाल राजस्थान में सीएम को लेकर खींचतान दिल्ली तक पहुँच चुकी है। पार्टी पर्यवेक्षकों से सलाह लेकर सीएम पर मंथन जारी है। इधर महंत बालकनाथ और दिया कुमारी दिल्ली में मौजूद हैं, तो उधर जयपुर में वसुंधरा राजे शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में दिख रही हैं। घर पर वो अब तक 30 से ज्यादा विधायकों से मुलाकात कर चुकी हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि अब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व राजस्थान की गद्दी पर किसका राज्याभिषेक करता है। इसी के साथ इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। राजस्थान पॉलिटिक्स से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं, ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप कहीं चूक ना जाएं।